हेलो हेलो हेलो, अभी हम कर रहे हैं एसे 250, दैट इज योर कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की बेसिकली आपको क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशन याद रखने हैं या उनसे उनका कंप्लायंस याद रखना है जब आपको ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो सबसे पहले इट टॉक्स अबाउट कि भाई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इट इज़ द ड्यूटी, इट इज़ द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, TCWG एंड मैनेजमेंट, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इनको देखना कि हम लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेकेंड क्या है उसके बाद, तो उसमें उन्हें क्या क्या करना है, दैट इज़ मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिजाइंड टू मीट रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको हर क्वार्टरली एक कोई रिटर्न फाइल करना है, तो उसमें आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या, आप में कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट देता है कि बॉस आपको रिटर्न फाइल करना है या ये स्टेटमेंट फाइल करना है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड आपका क्या बोलता है, इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप सारे लॉज एंड रेगुलेशन से प्रॉपरली कंप्लाई कर सको। फिर क्या है, एम्प्लॉय फॉलोइंग COC, COC क्या है, इट इज़ योर कोड ऑफ कंडक्ट, तो योर एम्प्लॉय शुड फॉलो योर कोड ऑफ कंडक्ट। डी क्या है, डेवलपिंग एंड फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, सबसे पहले तो बनाओ एंड फॉलो करो, एंश्योर एम्प्लॉयज फॉलो कर रहे हैं। एंड ई है आपका मॉनिटर कंप्लायंस ऑफ COC, इसका कंप्लायंस भी चेक करो कि आपके जो COC है ये कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आपका ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले तो थी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने ये देखा कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG की हमारे लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस बाय द एंटिटी, कि भाई इनको कौन से लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, एंड वेदर एंटिटी उससे कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डज द लॉ एंड रेगुलेशन हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वेदर आपका जो लॉज एंड रेगुलेशन है दे हैव एन इफेक्ट ऑन डिटरमाइनिंग द मटीरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स। ये जो लॉज एंड रेगुलेशन है, ओनली इफ दे हैव एन मटीरियल इफेक्ट ऑन द अमाउंट या तो डिस्क्लोजर जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हो, इफ येस तो फिर यू हैव टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर इसका इफेक्ट आता है, अगर आपका लॉज एंड रेगुलेशन का इफेक्ट आता है आपके अमाउंट या तो डिस्क्लोजर्स पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फिर यू हैव टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एंश्योर कंप्लायंस, कि वेदर अपना लॉ एंड रेगुले जो हमारे एल एंड आर है, जो हमारे लॉज एंड रेगुलेशन है, वेदर वो कंप्लाई हो रहे या नहीं हो रहे। अच्छा, इफ देर इज नो मटीरियल इफेक्ट ऑन द अमाउंट और डिस्क्लोजर, तो फिर यू हैव टू परफॉर्म लिमिटेड प्रोसीजर्स, क्योंकि देखो आपका बहुत ज़्यादा तो कुछ ऐसा खास इफेक्ट आ नहीं रहा, तो क्या बोलते हैं कि यार लिमिटेड प्रोसीजर्स करो, आप छोटे मोटे कर लो, दैट इज़ इंक्वायर विद मैनेजमेंट, कर लो उनसे, पूछ लो कि भाई कौन से लॉज एंड रेगुलेशन है, क्या क्या इनका इफेक्ट है, तुम कैसे उनको कंप्लाई करते हो। एंड सेकेंड है इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप अथॉरिटी से पूछो, अगर उनको कोई फाइल्स कुछ, अगर कोई अथॉरिटी को आपको फॉर्म सबमिट करना है कुछ करना है, तो अथॉरिटी से चेक कर लो कि भाई इन्होंने किया है कि नहीं किया है। एंड फिर क्या, ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन एज पर SA 580 दैट ऑल इंस्टेंसेज ऑफ नॉन कम्प्लायंस हैव बीन डिस्क्लोज। ये आपको मैनेजमेंट से लिख के लेना पड़ेगा कि देखो जहाँ जहाँ पे भी हमने जो भी लॉज एंड रेगुलेशन तोड़े या जो हम कंप्लाई नहीं कर पाए फॉर वट एवर रीजन, वो हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दिया है, तो आपको ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू TCWG। तो ऑडिटर को दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को क्या रिपोर्ट करना है, तो उसमें आता है नॉन कम्प्लायंस, दैट इज कम्युनिकेट टू हायर अथॉरिटी इफ TCWG इज इन्वॉल्व। तो TCWG का आपको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे नॉन कम्प्लायंस हुआ है। अच्छा, बट वॉट इफ TCWG इटसेल्फ ही इन्वॉल्व है इस चीज़ में कि उन्होंने ये लॉज एंड रेगुलेशंस को कम्प्लाई नहीं किया है, तो फिर आपको हायर अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा, आपको हायर अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नाउ दैट कैन बी योर ऑडिट कमिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़। तो ओनली इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो फिर आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा।
एंड थर्ड क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले TCWG, फिर रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी, एंड थर्ड है आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट में देखो, अगर आपका मटेरियल इफेक्ट है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिर आपको देनी है क्वालिफाइड या तो एडवर्स ओपिनियन, बिकॉज आपका मटेरियल इफेक्ट आ रहा है। एंड इफ़ यू आर अनेबल टू कंक्लूड ड्यू टू लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट के वजह से, मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन डाली है उसके वजह से आप बता नहीं पा रहे हो कि यार ये लॉज एंड रेगुलेशन सेटिस्फाई हो रहे या नहीं हो रहे, तो फिर इट विल बी क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। देखो ये ओपिनियन हम आगे डिस्कस करेंगे, अपने जो SA 700 सीरीज है उसमें अपन क्वालिफाइड डिस्क्लेमर इन सब का मीनिंग कर लेंगे। तो अगर आपने अगर आपको अब ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप पहले वो वाली सीरीज देख लो, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन मीन्स। एंड अगर इफ इट इज़ बाय एनी सर्कमस्टेंसेस, तो फिर आप इफेक्ट देख लो कि भाई जस्ट हालात ही वैसे। फिर आपका फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस नॉन कम्प्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। देखो आप अभी तक हम क्या देख रहे थे, लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो किसको बताओ, अभी तक हमने बस ये देखा है। अब क्या बोल रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर इन केस नॉन कम्प्लायंस, कि अगर नॉन कम्प्लायंस आपने देख लिया है, अब आगे क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर क्या करना है, तो यू विल हैव टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट कि हुआ क्या है, फिर सर्कमस्टेंसेज ऑफ इस अकरेंस कि ये क्यों हुआ है, कौन से सर्कमस्टेंसेज में हुआ है, फिर है आपका पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका इसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एंड है आपका लास्ट TC डिस्कस पे TCWG एंड मैनेजमेंट। उनको तो आपको बताना ही पड़ेगा कि देखो आपकी कंपनी में ऐसा 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 हुआ है, आपके लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हुए। फिर क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कम्प्लायंस, कब कब आपको पता चल सकता है या कहाँ कहाँ पे आपको हिंट मिल सकती है, ये इंडिकेटर्स है कि लॉज एंड रेगुलेशन से ये एंटिटी ने कंप्लाई नहीं किया है। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी अथॉर रेगुलेटरी बॉडीज, अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी आप पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगर आप पे छापे पड़ रहे हैं, तो फिर आपको दिस इज हिंट्स कि भाई कहीं ना कहीं तो नॉन कंप्लायंस है, अगर अगर वो लोग तुमको इन्वेस्टिगेट करिए मतलब उनको कुछ ना कुछ तो डाउट होगा। फिर सेकेंड क्या, पेमेंट ऑफ फाइंस और पेनल्टीज, आप कोई कोई रीजन से आप फाइंस और पेनल्टीज पे करे जा रहे हो, आप ये कब पे करोगे, जब आप नॉन कम्प्लायंस कर रहे हो कोई भी लॉज एंड रेगुलेशन से, आप नॉन कम्प्लायंस कर रहे हो, आप अगर आप पर्सनल लेवल पे सोचो, आपने गाड़ी आपकी उड़ गई, आपने नो पार्किंग में गाड़ी पार्क की, तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कम्प्लायंस। फिर क्या है, एक्सेसिव सेल्स कमीशन और एजेंट्स फी, आप कोई भी सेल्स कमीशन को ज़्यादा ही दे रहे हो, मोर देन नेसेसरी, या कोई भी एजेंट को फीस दे रहे हो जितना नेसेसरी नहीं उससे ज़्यादा दे रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो उधर चल रहा है। उसके बाद क्या है, अनयूजुअल पेमेंट्स इन कैश, कैश में यूजुअली जो कंपनी होती है कम ही ट्रांजैक्ट करती है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कैश में उनको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो कुछ तो अंडर द टेबल किसी को कुछ तो पास कर रहे, ऐसा हो सकता है। फिर क्या, अनयूजुअल पेमेंट्स टूवर्ड्स लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, अगर आप अपने लॉयर को बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो, या कुछ ना कुछ आप लीगल में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप लॉज एंड रेगुलेशन से कॉन्स्टेंटली आप कन्फ्लिक्ट में हो, जिसके वजह से आपको लीगल फीस इनकर करना पड़ रही है। फिर क्या है, पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज और प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, तो अगर आपने कोई भी ऐसा पेमेंट किया है जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसके अगेंस्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मतलब इसके अगेंस्ट ऐसा हो सकता है कि आप ब्राइब या कुछ दे रहे हो। एंड क्या, एनी एडवर्स मीडिया कमेंट, अगर मीडिया ने पकड़ लिया कि ये देखो ये कंपनी ने गलत कर लिया, इन्होंने ये लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, तो अगर मीडिया ने कुछ कर दिया तो इट इज़ इंडिकेटर कि भाई इट इज़ प्रॉबली ट्रू, बट यू विल ऑफकोर्स हैव टू लुक डीपर, दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, दीज आर जस्ट सम इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कम्प्लायंस। एंड इसी से आपका ऐसे ख़त्म हो जाता है, तो अगर आप चाहो तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, ऐसे 250 इज योर लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग जो सब भी होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड हमने पढ़ा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर थर्ड हमने पढ़ा कि आपको रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है, ये अपनी तीन टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। फिर उन्होंने बोला था कि आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है अगर नॉन कम्प्लायंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एंड लास्ट पार्ट है कि इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कम्प्लायंस क्या है। चलो खत्म, बाय बाय, टाटा।